हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। और आज हम अपनी इस क्लास में करते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट वी हैव डन इन अवर प्रीवियस वीडियो। ओके, इन दिस वीडियो वी विल डू सेकंड पार्ट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। तो आपको ये पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो इन्होंने बोला है कि ये इक्वेशन के कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आपको इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आप इसमें क्या करोगे कि ये आपको पता ना होना चाहिए कि जो नो सोल्यूशन, जिस इक्वेशन के कोई सोल्यूशन नहीं होते, उसके लिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो देखो क्या रिलेशनशिप होती है इसमें। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c, ये होती हमारी फॉर द इक्वेशन विच हैव नो सोल्यूशन। फॉर दैट सोल्यूशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री। ओके, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो इस तरह से होता है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है। ओके, इसके लिए आपको पता होना चाहिए ये कोफिशियंट जो एक्स का होता है पहली इक्वेशन में, इसको हम बोलते हैं a1। ओके, इसको यहाँ बोलते हैं, यहाँ पे इसका ऑप्शन 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा b1 और ये हमारा क्या हो जाएगा c1। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये वाला, इतना ये हमारा क्या हो जाएगा a2 और ये हमारा क्या है पूरा का पूरा इतना b2 एंड दिस ऑल इज c2। ओके, बस अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। a1 क्या है आपका 3 है, 3 अपॉन a2 क्या है 2k-1 है आपका। ठीक है, अब देखो आगे, अब बताओ b1 क्या है, b1 क्या है इसमें, y का कोफिशियंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 अपॉन और b2 आपका क्या है यहाँ पे ये k-1 और ये तो इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो चलो उसको भी कर दो। c1 कितना है 1 अपॉन 2k+1। ओके, अब देखो, अब ये दोनों आपकी क्या है इक्वल है, तो इन दोनों का आप ले लो यहाँ पे 3k-1 = 1 upon k-1। ये हो गया, अब इनका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सोल्व कर लो इनको, बहुत इजी है। देखो 3 into k-1 = 2k-1 और 3k और ये क्या हो जाएगा -3। ओके, 3k और 3 - 3 उसको इधर इधर शिफ्ट कर दो लेफ्ट में, तो इधर जाके -2k हो जाएगा और ये अगर आपको यहाँ पे करना है तो इसको चलो -1 हो गया। अब 3k और 2k कितना होता है 1k is equal to, ये -1 है और ये यहाँ पे -3 है, तो इधर जाके इसको +3 कर दो, तो क्या होगी k की वैल्यू होगी आपकी 2। बस ये था आपका सॉल्यूशन, बहुत इजी था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और अभी भी आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ओके, थैंक यू।